कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के लिए आसानी से पार करने वाला होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि क्रिकेट के मैदान में जब तक अंतिम गेंद ना पड़ जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला शांत रहा और वो मात्र 5 रन पे आउट हो गए, तो उसके बाद जोस बटलर और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला और मजबूत किया, लेकिन आज दोनों ही थोड़ा धीमे चले। जहाँ जोस बटलर ने आज अपने खेल के विपरीत खेलते हुए 34 गेंदों पर मात्र 37 रन बना पाए, तो वहीं स्टीव स्मिथ भले ही नॉट आउट रहे लेकिन उन्होंने 49 गेंदों पे मात्र 73 रन बनाए हैं। तो वहीं अंतिम समय में आज बेन स्टोक्स का बल्ला भी नहीं चला और वो 14 गेंद खेल के मात्र 7 रन बना पाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पिच में थोड़ा सा टर्निंग है, क्योंकि पीयूष चावला से लेके प्रसिद्धि कृष्ण सबने बेहतरीन गेंदबाजी की, तो वहीं आज एक डेब्यूटेंट बॉलर हैरी गर्ने ने भी 2 विकेट लेके कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को मुसीबत में डाल दिया। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आज क्या केकेआर इस मैच को आसानी से जीत पाएगा या राजस्थान रॉयल्स लाएगा ट्विस्ट। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।